चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर जनपद मैनपुरी क्षेत्र के विधानसभा 110 करहल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद के लिए अपना नामांकन किया है। तो वहीं उनके साथ भोगांव विधानसभा 108 से आलोक शाह के पूर्व मंत्री 109, विधानसभा किशनी क्षेत्र से ब्रजेश कठेरिया ने समाजवादी पार्टी से भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वही नामांकन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से आधा घंटा से अधिक बात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार को जुमलेबाजी की सरकार कहा। बेरोजगारी को उन्होंने बढ़ावा दिया है ये भी कहा। भारतीय जनता पार्टी ने 99 अपराधी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी लगातार नकारात्मक राजनीति कर रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जैन इंटर कॉलेज में पढ़े थे, पढ़ाया भी था। सरकार बनने के बाद यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लाल टोपी को लेकर कहा कि ये लाल रंग से घबराहट है, इनको टोपी का सवाल नहीं, हमारा सबका खून लाल है। तो भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है। एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है, जिन्होंने अखिलेश यादव के बाद नामांकन कार्यालय में दस्तक देते हुए अपना नामांकन भरा। उन्होंने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आज उससे भी आगे बढ़ रहा है आईटी सेक्टर, और लोगों ने महसूस किया है कि हर क्षेत्र में आईटी की सर्विसेज बढ़ रही हैं। पहला संकल्प लिया था कि 22 लाख अच्छी नौकरियां समाजवादी सरकार में नौजवानों को देने का काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 22 लाख केवल आईटी सेक्टर में, अभी मैंने सरकारी विभाग नहीं जोड़े। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ये भी तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, और पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे ही समाजवादियों ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो क्या शुरू कर रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नई और पुरानी की बहस छेड़ रहे हैं। यहाँ का जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के साथ है और पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं। पीछे अरे निखिल निखिल ध्यान देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर हमारे चुनाव में नाम किया है, यहाँ पर भेजा है। करियल की महान जनता के माध्यम से अपने बूथ अध्यक्ष से हरा बेटा, और प्रधानमंत्री की लोक कल्याण योजना और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उससे दूर हो गई, जमीनों के बड़ा बंद हो गए, व्यक्तियों के साथ छेड़छाड़ बढ़ मिले हुए चोरी जो हुआ सबके मोबाइल में आ रहे हैं। जान दो पीछे करो ने कि आप बहुत जलील हुआ, मेरा सर उतार फिरोजाबाद में तो दांत खट्टे करके आया था, और फिरोजाबाद के किले में जो मैंने दरार पैदा की थी चंद्रसेन यादव ने उस किले को फिर जीत लिया। जी अखिलेश यादव को टक्कर देने जा रहे हैं आप, करें कितनी तैयारी है? 100% पूरी तैयारी है। जो 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 फौज शांति काल में पसीना बहा लेती है उसको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संतन के नेतृत्व में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है उसके सहारे। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और संगठन के माध्यम से करहल में कमल खिलेगा और विकास और विनाश के बीच में ये इलेक्शन होगा। लोग 12 से 17 के बीच की घटनाओं को नहीं भूले हैं, और करहल और जसवंत नगर के आसपास के लोग खास तौर से इस बात से परिचित हैं कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि उसकी पकड़ तो नहीं हो गई। रात में किसान पानी लगाना बंद कर देता था कि कहीं पकड़े गए तो गंगा की कटेरी में। आप अपराधों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार जब तक रात में अपने नियत समय से दुकान बंद करके घर नहीं पहुंच जाता था, पत्नी सोचती थी थैला छिन गया है और गोली लग गई है। आगरा के मशहूर डॉक्टर और आपके फिरोजाबाद के भी और इधर के भी मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिए थे कि उनकी पकड़ हो जाएगी फिर करोड़ों में छूटेगी। समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर जिला जो मथुरा है, जहां आज तक जीते नहीं है, वहां भी जब सरकार अखिलेश की थी तो राम वृक्ष यादव ने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी और डिप्टी